प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की ओर से उनियारा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुर्जर समाज की प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से उनको सम्मानित करने के साथ ही अतिथियों ने आह्वान किया कि समाज में शिक्षा का अलग जो है बड़े तेज़ी से बढ़ाना होगा। शिक्षा ही वो रास्ता है जिस पर जाकर कोई भी समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। शिक्षा पर सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में पूरी तरह जोर दिया। इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाहर से आए महानुभावों ने समाज को आगे लाने की दिशा में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया और कहा कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो समाज शिक्षित होकर सही रास्ते पर चलता है। अब ये कि तन थोड़ा कम हो, धन ये मन है ज्यादा होना चाहिए, धन कम चल सकता है, लेकिन मन पूरे मन जिस भी संगठन से आप जुड़े पूरे मन से आप जुड़े। मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है, पूरा हो तो ठीक है, नहीं है तो भी, लेकिन आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जिले की प्रत्येक तहसील में एक छात्रावास का निर्माण हो। तो अपने सात तहसीलें हैं, ये जिले स्तर की बात कर रहे हैं। बच्चों, आज मुझे इस प्रतिभा सम्मान समारोह में बुलाया है क्योंकि मेरे को श्रेय दिया जा रहा है छात्रावास संचालन का। मैं मात्र उसका एक ऊर्जा हूँ, उसमें कई लोगों का अथक प्रयास है, तन से, मन से, धन से। मैं तो एक कंगूरा मात्र हूँ, और क्योंकि मुख्य जो छात्रावास की जो व्यवस्था देख रहे हैं वो छात्रों की टीम है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ नियारा में भी 5-7 लेक्चर यहाँ से बने हैं और ये हैं। और अभी जो ये जो सम्मान है ये उन्हीं के लिए है। तो जो वर्तमान में जो अभी हॉस्टल का प्रभारी है, तो आपकी इजाज़त हो, क्योंकि ये सम्मान मेरा नहीं होना चाहिए, जो जमीन पे काम कर रहे हैं उनका होना चाहिए, तो ये सम्मान मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो ये गजब सिंह है। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को खबरों के लिए।